हाय फ्रेंड्स, JKIT मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस थ्योरी MCQs के साथ, बेस्ड ऑन निमी पैटर्न सीरीज, यानी कि निमी की बुक से लिए गए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी कि हमारी इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है। इसके MCQs मिलेंगे, निमी की असाइनमेंट से लिए गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियोज यहाँ मिलती रहती है। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे निमी क्वेश्चंस की। निमी असाइनमेंट के क्वेश्चंस है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, तो JKIT मंत्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन। फर्स्ट हमें दे रखा है, निम्न में से क्या एक विद्युतकार यानी कि इलेक्ट्रिशियन का कर्तव्य नहीं है? तो आपने पढ़ा कि विद्युतकार के इतने कर्तव्य होते हैं, तो आपको कौन सा ऑप्शन कह रहा है कि इसमें से विद्युतकार का कर्तव्य नहीं है, यानी कि कौन सा काम है जो इलेक्ट्रिशियन को नहीं करना होता? ऑप्शन ए है विद्युतिक परिपथों की स्थापना, PCB परिपथ का निर्माण, मोटर्स की रिवाइंडिंग करना, उपरोक्त सभी। तो कर्तव्य कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो PCB प्रिंट सर्किट बोर्ड होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो इसका निर्माण करना इलेक्ट्रिशियन का कर्तव्य नहीं होता। वायरिंग यानी कि विद्युतिक परिपथों सर्किट की स्थापना करना होता है, मोटर्स की रिवाइंडिंग भी करनी होती है, परंतु PCB परिपथ का निर्माण इलेक्ट्रिशियन को नहीं करना होता। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? तो दुर्घटना का कारण कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है आपको, कार्य में रुचि न होना, सुरक्षित पहनावा, अधिक उत्सुक होना और अनुशासनहीन होना। तो कौन सा कारण है जो दुर्घटना का कारण नहीं है, यानी कि दुर्घटना से बच सकते हैं यदि वो पालन करते हैं तो? तो यदि कार्य के प्रति आपकी रुचि नहीं है तो दुर्घटना होगी, अधिक उत्सुक हो आप तो भी दुर्घटना हो सकती है, और अनुशासनहीन हो तो भी दुर्घटना होने के चांस है। यदि आपने सुरक्षित पहनावा पहन रखा है यानी कि सुरक्षित वस्त्र पहन रखे हैं तो आपकी दुर्घटना नहीं होगी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, तो विद्युत संपर्क में कोई व्यक्ति आ गया है उसे छुड़ाने के लिए क्या करेंगे? तो ऑप्शन दे रखे हैं, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तो आप हमें मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, किसी चाकू से तार काट देनी चाहिए, पीड़ित को धक्का देकर लाइन से अलग या पृथक कर देना चाहिए, उपरोक्त में से कोई भी विधि अपना सकते हैं। तो यदि आपको विद्युत के संपर्क में आए हुए व्यक्ति को छुड़ाना है तो मेन स्विच को ऑफ कर दीजिए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतमय तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप क्या प्रथम कदम उठाएंगे? तो ऑप्शन ए रखा है, तत्काल डॉक्टर को बुलाएंगे, उसका हाथ पकड़कर तार से छुड़ाएंगे, उसे विद्युतमय तार से पृथक करेंगे, अस्पताल ले जाएंगे। तो हम उसे तार से पहले अलग करेंगे, प्रथम कदम यही उठाएंगे, हाथ से पकड़कर नहीं करेंगे क्योंकि हमें भी शॉक लगने का डर रहता है, अस्पताल नहीं ले जा सकते, प्रथम कदम का पूछा है, वो डॉक्टर को भी नहीं बुलाना, पहले उसे तार से अलग करना होता है। आप पहले मेन स्विच ऑफ कर दीजिए, फिर लकड़ी से या फिर रबड़ के दस्ताने पहन के उसे अलग कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। एक वैद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए, एक वैद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व
निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। एक आप इलेक्ट्रिकल उपकरण है हमारा, कोई इक्विपमेंट है, उसे रिसोर्स से जोड़ते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स से, तो हमें क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो ऑप्शन ए दे रखा है, पूर्णतः उपकरण पूर्णतः ठीक हो, यानी कि आपका जो इक्विपमेंट है वह पहले से सही होना चाहिए एकदम। ऑप्शन बी है, उपकरण सप्लाई देने योग्य है, उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है और उपरोक्त सभी। तो आपको ये क्वेश्चन है कि विद्युत से किसी आप इक्विपमेंट को जोड़ते हैं तो हमें पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए। हमें ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि वह जो इक्विपमेंट हम जोड़ रहे हैं विद्युत सोर्स से वह ठीक होना चाहिए, उसके किसी भी भाग को अर्थ किया होना चाहिए, यानी कि धात्विक भाग को अर्थ किया होना चाहिए, उपकरण सप्लाई देने योग्य भी। ये तीनों बातें हमें पूर्व ध्यान में रखनी होती है। सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज देव संयोजित करना चाहिए, तो सुरक्षा की दृष्टि से हमें फ्यूज किसमें संयोजित करना चाहिए, तो न्यूट्रल, फेज, अर्थिंग और इनमें से कोई दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, तो आपको हमें फेज में जोड़ना होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है, फ्यूज को हमेशा फेज में जोड़ते हैं, न्यूट्रल में अर्थ में नहीं कनेक्ट करते। फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य होता है। तो फ्यूज तार को यदि हम बदलते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य होता है। तो पहला है कि फ्यूज को यदि तार से बदलते हैं, फ्यूज तार को, तो उपकरण का स्विच ऑफ कर दीजिए, उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद कर दीजिए, मेन स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर मेन स्विच ऑन कर दीजिए। तो हमें मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, फिर फ्यूज तार को बदलना चाहिए। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, मेन स्विच को पहले ऑफ कर दें। यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इस स्थिति हेतु सबसे उपयुक्त कदम है। तो यदि हमें एक फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है, आपका पंखा खराब हो गया, आपको पहले उसे हटाना है, तो हमें क्या कदम उठाने चाहिए। तो लकड़ी के स्टूल पर खड़ा होना चाहिए, रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए, सिंगल पोल स्विच को बंद करना चाहिए या मुख्य आपूर्ति को बंद। तो आप जब भी पंखा या लैंप उतारते हैं, अलग करते हैं खराब हुए को, तो पहले मेन आपूर्ति यानी कि मेन स्विच को ऑफ कर दीजिए, मेन सप्लाई को ऑफ कर दीजिए। ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विद्युत कार के जूते के बने होने चाहिए, तो इलेक्ट्रिशियन के जूते किससे बने होने चाहिए, ये क्वेश्चन है, रबड़, प्लास्टिक, चमड़े या ये सभी। तो इलेक्ट्रिशियन के जूते किससे बने होने चाहिए, तो रबड़ के जूते होने चाहिए इलेक्ट्रिशियन के, ताकि इलेक्ट्रिक शॉक न लगे। निम्न में से कौन सा सुरक्षा उपकरण PPE की श्रेणी में आता है, तो PPE की फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपको पूछा भी जा सकता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण इसे हिंदी में कहते हैं। तो कौन से उपकरण श्रेणी में आते हैं, चश्मा, दस्ताने, सुरक्षा पेटी या ये सभी। तो ये चारों ही PPE की श्रेणी में, चश्मा, दस्ताने और सुरक्षा पेटी। कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है, तो असुरक्षित पहनावा क्या होता है। ऑप्शन ए है ढीले वस्त्र, टाई, मफलर, ये सभी। तो ये सभी आपके लिए असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत आते हैं, मफलर, टाई और ढीले कपड़े। दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है, तो यदि आपको दुर्घटना टालनी है तो सर्वोच्च उपाय क्या है, ये पूछा है। ऑप्शन आपके पास है सुरक्षा उपकरणों को पहनना, ये भी है जॉब मशीन कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, अपने तरीके से कार्य करना, किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना। तो दुर्घटना ये लगभग ये सारे ही है, अपने तरीके से कार्य करना इसे छोड़ के, ये तीनों ही आपके लिए
उपाय है दुर्घटना के टालने के, परंतु सर्वोच्च यानी कि सबसे अच्छा कौन सा है? तो ये ऑप्शन बी आपका सही है कि जॉब मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करें। इसके अंतर्गत सारी सावधानियां आ जाती है कि हमें सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या सावधानी आती है, वह सारी ऑप्शन बी में है। निम्न में से कौन सा भौतिक खतरा है, फिजिकल हैजार्ड कौन सा है? तो धूम्रपान, कंपन, क्षरण वो रेडियो एक्टिव। तो कंपन आपको पता है कि भौतिक खतरा है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है? तो किस प्रकार के ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड का कारण संक्रमण हो सकता है? तो विद्युतीय नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा और मानसिक नुकसान, इनमें से कौन सा हो सकता है व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण? तो विद्युतीय नुकसान व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण पूछा है, तो जैविक नुकसान होता है वह व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण, संक्रमण का कारण बन सकता है। और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विद्युतीय सप्लाई प्रकार की होती है, यानी कि सप्लाई कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जिसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन बी है डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट जिसे कहते हैं दिष्ट धारा। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपके लिए सही आंसर है ए और बी दोनों, यानि कि एसी और डीसी ये दो प्रकार के करंट होते हैं, ये विद्युतीय सप्लाई के प्रकार होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो यहाँ मिलती रहती है। आपको इस वीडियो में निमी के क्वेश्चंस दिए गए हैं और मैंने निमी की असाइनमेंट के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें कुछ वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। आपको एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।